सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे IIIT नया रायपुर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नया रायपुर की। तो IIIT नया रायपुर हमारे नया रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड वाला इंस्टीट्यूट है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। और बात कर लें NIRF रैंकिंग की, तो अभी तक इन्हें कोई भी NIRF रैंकिंग प्राप्त नहीं है, क्योंकि काफी नया इंस्टीट्यूट है। हर कॉलेज रिव्यू देता है। आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर लिए प्लेसमेंट के साथ। हमारे पास 2023 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है, जिसमें दिए गए स्क्रीनशॉट में सबसे पहले आप प्लेसमेंट परसेंटेज देख पा रहे हो। लाइक कंप्यूटर साइंस में 97.56%, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 97.5%, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 75%। मीडियम पैकेज की बात कर ले तो कंप्यूटर साइंस में 16 LPA, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 13.2 LPA, और वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 13 LPA। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में 85 LPA, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 46.38 LPA, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 30 LPA। वहीं अगर एवरेज पैकेज की बात कर लें तो कंप्यूटर साइंस में 19.64 LPA, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 14.66 LPA, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 14.87 LPA। तो आप देख पा रहे हो 2015 में जस्ट हमारा नया नया इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुआ है, सबसे काफी तगड़े प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। इसी का रिजल्ट हमें कट ऑफ में भी देखने को मिलेगा। बट उससे पहले अगर हम बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो तीन प्रकार के आपको सीट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले 50% सीट्स होम स्टेट कोटा के लिए रिजर्व है, 15% सीट्स NTPC कोटा के लिए, और बाकी बच गया 35% सीट्स आपके जोसा काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होते हैं। अब ये 15% सीट्स आपके NTPC के लिए क्यों है? क्योंकि IIIT नया रायपुर छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट और NTPC के कोलैबोरेशन से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में चल रहा है। तो 50% आपका होम स्टेट और 15% NTPC, इन दोनों के थ्रू अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको IIIT नया रायपुर के वेबसाइट पर एडमिशन फॉर्म आता है। तो इनका खुद का सेपरेट इंस्टीट्यूट काउंसलिंग होता है। इस इंस्टीट्यूट काउंसलिंग के थ्रू 50% होम स्टेट कोटा और 15% आपका NTPC वाला फिलअप हो रहा होगा। बाकी बच गए 35% के लिए आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे, और जेईई मेंस में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर जोसा सीसेप काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तो 35% सीट्स जो कि जोसा सीसेप के थ्रू फिल होते हैं उसी का कट ऑफ देख रहे होंगे। तो हमारे सामने जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक कंप्यूटर साइंस क्लोज हुआ था 19,764, काफी तगड़ा कट ऑफ है। डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 23,870, और वही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 33,005 रैंक पर। तो आप देख पा रहे हो चाहे वो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हो चाहे कट ऑफ हो, बिल्कुल दोनों ही काफी एक टॉप नॉच किसी भी NIT या IIIT से सिमिलर जैसे दिख रहे हैं हमें डेटा। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। तो इन टोटल 4 साल का बीटेक फी आपका 9 लाख के अंदर अंदर निपट जाएगा। तो एक IIIT जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में चल रहा है और प्लेसमेंट्स भी काफी तगड़े देखने को मिल रहे हैं, कट ऑफ भी आपको काफी अच्छा अचीव करना पड़ेगा इस इंस्टीट्यूट के लिए, उस हिसाब से फी स्ट्रक्चर काफी कम है। ऑफ कोर्स NITs के कंपैरिजन में कम नहीं है, क्योंकि NITs में आपको बहुत सारे फी रेमिशंस भी देखने को मिलते हैं और 8 से 10 लाख ऐसे भी उसका फी स्ट्रक्चर होता है। बट फिर भी एक IIIT जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में चल रहा है, उसके लिए एक बेटर इतने अच्छे खासे प्लेसमेंट रिकॉर्ड के साथ काफी कम फी स्ट्रक्चर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि नाम IIIT नया रायपुर है, लेकिन अगर आप जोसा के वेबसाइट पर जाओगे तो GFTI की कैटेगरी में हमारे IIIT नया रायपुर को रखा गया है। तो नाम बस IIIT नया रायपुर है, और जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ब्रांचेस हैं, कोर्सेज हैं, वो आपके कंप्यूटर साइंस ओरिएंटेड, IT ओरिएंटेड है, लेकिन इसे रखा गया है GFTI की कैटेगरी में, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है। और खैर जो भी रीजन हो, जो भी जोसा का रीजन रहा हो, इसी प्रकार आपका IIIT भुवनेश्वर भी GFTI की लिस्ट में रखा गया है। तो IIIT नया रायपुर से पहले हमने 4 GFTI ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, BIT मेसरा, PEC चंडीगढ़, IIIT भुवनेश्वर और NIAMT रांची, जिसका पुराना नाम निफ्ट रांची हुआ करता था। और आज 5वां GFTI का रिव्यू वीडियो हो रहा है आपका IIIT नया रायपुर। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि एक 50 एकर्स के कैंपस एरिया में स्थित हमारा IIIT नया रायपुर एक अच्छा खासा डिसेंट आपको कैंपस लाइफ प्रोवाइड कर देता है, चाहे वो आपका हॉस्टल्स हो, चाहे वो आपका एकेडमिक बिल्डिंग हो, क्लासेज हो, कुछ भी हो। हॉस्टल्स की बात कर ले तो बताया गया है फर्स्ट ईयर में ही आपको सिंगल सीटर रूम्स देखने को मिलेंगे। मेस का फूड भी डिसेंट, ओके बताया गया, बढ़िया है, ठीक ठाक है। और फेस्ट भी आपके ठीक ठाक, जैसे एक टेक्नो कल्चरल, एक साथ टेक्निकल और कल्चरल एक ही फेस्ट में हो रहा होगा। स्पोर्ट्स फेस्ट एक अलग से होता है,
तो ये सारी चीजें हैं, इवेंट्स भी अच्छे खासे हो रहे होंगे, जितने भी आप टॉप नॉच किसी भी एनआईटी ट्रिपल आईटी आईआईटी में जो भी क्लब्स देखते हो, टेक्निकल कल्चरल क्लब्स लगभग सारे ही देखने को मिल जाएंगे। टेक्निकल क्लब में मोस्टली आपको कोडिंग क्लब्स ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारा ट्रिपल आईटी है, उसमें भी ब्रांचेस मोस्ट स्पेसिफिकली आपके कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो ये सारी चीजें आपको ज्यादा देखने को मिल रही होंगी इनके क्लब्स। वरना आईआईटीज में आप देखते हो कि कार रेसिंग, फॉर्मूला रेसिंग टाइप्स, वो थोड़े से मैकेनिकल ओरिएंटेड हो जाते हैं, मैकेनिकल के स्टूडेंट्स ज्यादा उधर इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, तो मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस नहीं है इस इंस्टीट्यूट में, तो ये सारे क्लब्स आपको उतने देखने को नहीं मिल रहे होंगे। बट टेक्निकल में आपको कोडिंग वाली चीजें देखने को मिल रही होंगी, जिसकी वजह से कोडिंग कल्चर काफी बढ़िया बन जाता है। फैसिलिटीज के बारे में एक बार और बात कर ले तो आपको ओपन एयर जिम, एक्चुअल इंडोर जिम, ऑडिटोरियम, सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो एक 50 एकर्स के कैंपस में एक जितना शानदार, मतलब बहुत शानदार, लेविश तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक डिसेंट कि आपका कॉलेज लाइफ बढ़िया से निपट जाए, उस हिसाब से आपको कैंपस देखने को मिल रहा होगा। मतलब ना ही तो बहुत ज्यादा हाई फाई क्वालिटी, और ना ही मतलब खराब, खराब भी नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत हाई फाई भी नहीं बोलूंगा, एक कैंपस जो आप डिजर्व करते हो उस हिसाब से बढ़िया कैंपस है। तो प्लेसमेंट्स भी आप देख रहे हो काफी बढ़िया है, कट ऑफ भी काफी बढ़िया है, कैंपस भी अच्छा है, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जब भी इन्हें एनआईआरएफ रैंकिंग मिलेगी तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि एक अच्छा तगड़ा एनआईआरएफ रैंकिंग लेकर निकल रहा होगा हमारा ट्रिपल आईटी नया रायपुर। हालांकि अभी बहुत सारे नए नए ट्रिपल आईटीज हैं, नए नए इंस्टीट्यूट सेटअप हो रहे हैं 2013, 14, 15 के आसपास, तो ये काफी नए इंस्टीट्यूट है जिसके वजह से अभी इन्हें एनआईआरएफ रैंकिंग नहीं मिली है, तो थोड़ा सा पुराना होने दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे हमारा ये इंस्टीट्यूट एनआईआरएफ की लिस्ट में आएगा और एक अच्छा एनआईआरएफ रैंकिंग देखने की मुझे उम्मीद है। कैंपस आपका ऑफ साइट लोकेशन शहर से थोड़ा दूर बताया जा रहा है, बट खैर कोई नहीं, रोजमर्रा की जो भी आपकी जरूरत की चीजें हैं या तो आपको कैंपस के अंदर देखने को मिल जाएंगी, या फिर नियर बाई जो कैंपस के पास मार्केट है वहां आपको देखने को मिल जा रही होंगी। बट फिर भी कनेक्टिविटी की अगर बात कर ले तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 23 किलोमीटर दूर रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और 13 किलोमीटर दूर, 13 किलोमीटर दूर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर देखने को मिल रहा होगा। तो यही सारी चीजें हमने बात कर ली आज के इस वीडियो में कि फेस्ट है ठीक ठाक होते हैं, एक आपका टेक्नो कल्चरल फेस्ट, स्पोर्ट्स फेस्ट, इवेंट के नाम पे ठीक ठाक इवेंट्स हो ही जा रहे होते, कॉलेज लाइफ बढ़िया रहेगा, क्लब्स लगभग हर प्रकार के कल्चरल क्लब्स, टेक्निकल में आपको कोडिंग वाले क्लब्स को ज्यादा देखने को मिल रहे होंगे, और स्पोर्ट्स फैसिलिटी प्रॉपर दी गई है, चाहे वो आपका जिम हो, इवन बहुत सारे अभी जो हमने ट्रिपल आईटी डिस्कस किए थे उसमें ऑडिटोरियम देखने को नहीं मिल रहा था, बट यहाँ लिखा गया था जोसा के वेबसाइट पर, मैंने चेक किया 1000 सिटिंग कैपेसिटी वाला ऑडिटोरियम भी है, यानी कि एक ऑडिटोरियम में 1000 स्टूडेंट्स रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, ऑफकोर्स रहने तो नहीं आओगे, घर नहीं है, बैठ सकते हैं, और इसी के साथ फैकल्टीज भी ठीक ठाक है, ओके है, डिसेंट है। हॉस्टल्स आपको फर्स्ट ईयर में सिंगल सीटर रूम्स वाले डिसेंट हॉस्टल फैसिलिटीज देखने को मिल रहे होंगे, मेस भी डिसेंट है, तो ओवरऑल बढ़िया है, मतलब डिसेंट कॉलेज है, बहुत ज्यादा हाई फाई फैसिलिटीज नहीं है, बहुत ज्यादा खराब नहीं है, डिसेंट है, और प्लेसमेंट्स काफी तगड़े हैं। अब ट्रिपल आईटी नया रायपुर से जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो, आपका अपने कॉलेज को लेकर क्या ओपिनियन है, क्या अभी तक का कॉलेज एक्सपीरियंस है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कुछ मेरी बातों से इस वीडियो में आप सहमत हो या ना हो, जो भी बात है आपका कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट्स किसी और दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो और अभी तक आपके कॉलेज का हमने कॉलेज रिव्यू वीडियो नहीं बनाया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटा से बड़ा सवाल मैंने पूछ रखा है, तो उसे डिटेल में लेटेस्ट अपडेटेड डेटा के साथ फिलअप करिए, जिससे आपके कॉलेज का मेरे पास हर छोटा से बड़ा डिटेल आ जाए और आपके कॉलेज का रिव्यू वीडियो जल्द से जल्द मैं अपलोड कर सकूं। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मनी बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।